योजना का प्रारूप तैयार है और उसके एक हिस्से में हम लोगों ने काम भी शुरू किया है। आपकी मेहरबानी होगी तो पूरी योजना स्वीकृत करके और पूरे टाल क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक ट्वीट कर बड़ा खुलासा किया है। साथ ही साथ उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी साझा किया है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। आइए पहले पढ़ के सुनाते हैं कि कुछ शब्द उन्होंने लिखे हैं। क्या कुछ लिखा है आखिर ललन सिंह ने? ललन सिंह ने ट्वीट किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में खुले मंच से मुख्यमंत्री जी ने टाल क्षेत्र में समुचित विकास के लिए केंद्र से 1892 करोड़ की विकास योजना का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बिहार और टाल क्षेत्र के प्रति केंद्र सरकार की लगातार उदासीनता के कारण ये काम नहीं हो पाया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार के खजाने से 1600 करोड़ की योजना स्वीकृत की और टाल क्षेत्र में विकास का काम शुरू करवाया। साथ ही साथ वो आरोप भी लगा रहे हैं बीजेपी पे और कह रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी बीजेपी के नेता और मंत्री टाल क्षेत्र में आकर सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आपको बता दें, इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार का एक वीडियो भी साझा किया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। के लिए संघर्ष समिति बनाकर ये टाल क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए, टाल योजना के लिए मैं वकालत करता रहा हूं, तो जो भी संभव हुआ किया। अब इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरा अध्ययन करके राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा टाल क्षेत्र के समुचित विकास, बेहतर जल संचयन एवं जल प्रबंधन हेतु लगभग 1892 यानी 1900 करोड़ रुपए की टाल योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया गया और इसमें से 188 करोड़ की योजना की स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किया गया है। टाल योजना के लिए जिसकी आपने चर्चा कर दी, मुझे तो बेहद प्रसन्नता हो गई कि अब आपने आकर मोकामा में टाल क्षेत्र की समस्या के लिए और इसके समाधान की बात आपने कह दी। टाल क्षेत्र की समस्या जो कोई बाढ़ की उस तरह की समस्या नहीं है, यह पृथक समस्या है। यहां जल आना ही है 4 महीना, समय पर जल निकले और अन्य प्रकार की समस्याएं, तो टाल क्षेत्र की विशिष्ट समस्या है और इस पर कई बार विशेषज्ञों की टीम ने पूरा अध्ययन किया। तो आप अगली बार जब समय देंगे तो हमको टाल क्षेत्र के बारे में आपके सामने पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे, प्रस्तुतिकरण कर देंगे। योजना का प्रारूप तैयार है और उसके एक हिस्से में हम लोगों ने काम भी शुरू किया है। आपकी मेहरबानी होगी तो पूरी योजना स्वीकृत करके और पूरे टाल क्षेत्र का उद्धार हो जाएगा, विकास हो जाएगा। और इस टाल योजना का हमारे क्षेत्र के लोग सपना देखते, दशकों से सपना देखते हैं, उसमें उनको एक सहायता मिलेगी। इसलिए बहुत खुशी की बात है, इसी इलाके में हुआ और देख लीजिए, यहां पर कार्यक्रम तय हो गया, इसके बाद पानी पड़ गया, तो यहां के मिट्टी की खासियत है, लोगों को परेशानी होने लगी कि भाई क्या पता प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है, क्या होगा। लेकिन मैंने पटना से ही सबको कहा, इत्मीनान से अपनी तैयारी करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। और आज देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो में नीतीश कुमार। ललन सिंह का कहना है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार कभी मंजूरी नहीं देती और हमेशा बिहार के साथ एक सौतेला व्यवहार करते नजर आती है। ऐसे छोटे बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें, साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।